हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू ब्लॉगिंग देसी। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मैंने एक वीडियो शेयर किया था हेयर फॉल से रिलेटेड, जो आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर कर दूंगी। और आज का जो टॉपिक है वो है ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। इसमें हमने चीज़ें डाली हैं वो सब बहुत ही नेचुरल हैं। ये आप मंथ में एक बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, तो आप इसको मंथ में दो बार भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको वीक में भी एक बार कर सकते हैं, यानी मंथ में आप इसको चार बार भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि इससे आपके बालों में काफ़ी शाइन आएगी और जो भी फ्रिजीनेस होती है, जो भी स्प्लिट एंड्स होते हैं, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने अभी बस एक ही बार अप्लाई किया था और मुझे काफ़ी अच्छा अपने बालों में इम्प्रूवमेंट लगा है। काफ़ी सिल्की हो गए मेरे बाल, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए थे। तो अप्लाई करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन, एक तो आपके बाल साफ होने चाहिए। साफ मीन्स आपके बाल तुरंत ही वॉश किए होने चाहिए। ऑयली हेयर पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आपके वॉश्ड हुए बाल होंगे तुरंत के, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सेकेंड थिंग इज़, आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना है। जैसे कि आपको इसको 10-20 मिनट्स में मत निकालिए। अगर आप इतनी मेहनत करके ये हेयर स्पा बना रहे हैं घर में, तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू टू एटलीस्ट कीप इट फॉर 30-40 मिनट्स। अगर आप एक घंटा रख सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। मैंने इसको एक घंटा ही रखा था अपने बालों में। लेट्स स्टार्ट व्हाट ऑल टू बी एडेड। इस हेयर स्पा क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए कर्ड, यानी दही। वी विल टेक 2 स्पून ऑफ कर्ड हेयर। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आप चाहें तो एलोवेरा जेल और दही की क्वांटिटी अपने बालों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लंबे बालों के लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट वी विल ऐड 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल ऐड कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज़ अ लिटिल कंपल्सरी फॉर दिस, बिकॉज कैस्टर ऑयल आपके बालों को काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको कैस्टर ऑयल मिल जाए तो आप उसे ज़रूर यूज़ करिए। नाउ वी विल मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ बटर। यस, ये खाने वाला बटर ही है। इसमें 1 स्पून ऑफ बटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, दैट्स ओके। बट बटर आपके बालों को काफ़ी अच्छी शाइन देता है, इसलिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट आफ्टर मिक्सिंग एवरीथिंग वी विल ऐड द कंडीशनर। आप चाहें तो कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये पीच कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डव का कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी होती है। नाउ वी विल मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल एंड योर हेयर स्पा इज़ रेडी। इन द एंड मैं इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी, क्योंकि हनी भी बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए, बालों को शाइन देने के लिए। इसलिए बस इसमें हनी ऐड किया। एंड मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल एंड योर हेयर स्पा इज़ रेडी टू यूज़। इस हेयर स्पा को यूज़ करने के पहले आप बालों को अच्छे से अनटैंगल कर लीजिए, अच्छे से कोम कर लीजिए, जिससे उसमें कोई भी टैंगल्स नहीं रहे। नाउ यू अप्लाई दिस हेयर स्पा ऑन योर हेयर। रूट्स में नहीं लगाइए इसको, नीचे की साइड में ज़्यादा लगाइए बालों में, क्योंकि हमारे मोस्टली बाल वहीं ख़राब होते हैं, नीचे की तरफ। सो जस्ट अप्लाई दिस एंड टाई इट फॉर 1 आवर। इसको बालों को कवर भी कर सकते हैं आप चाहें तो, एक शावर कैप से या एक पॉलीथिन बैग से। और इसको 1 घंटे के लिए रखिए। 1 घंटे बाद इसको हेयर वॉश कर लीजिए। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, पर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ऐसे ही छोटे छोटे से होम रेमेडीज़, काफ़ी इफेक्टिव होम रेमेडीज़, मैं आपके साथ में आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सभी के साथ ये शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care of yourself and your family.